हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किए हैं, और मेरे लिए तो क्या ये कोई भी ऑयली स्किन कैटेगरी वाले जो पर्सन हैं उन लोगों के लिए वर्क नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। तो मैंने इनको अच्छे से यूज़ किया, और जब यूज़ कर करके मैं पक गई तो मैंने सोचा कि इन लोगों का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको भी इनमें से कोई प्रोडक्ट्स परचेज करना हो और आप ऑयली स्किन कैटेगरी में आते हो, स्पेशली समर सीजन में, तो आपको इस वीडियो को देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं स्किन केयर, मेकअप, हॉल रिव्यू रिलेटेड वीडियोज लेकर आती हूँ, और आपको बिल्कुल पसंद आएंगे मेरे वीडियोस, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। तो जिन दो प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो दोनों ही एक सनस्क्रीन है, और क्योंकि समर सीजन अभी आ गया है तो मेरे पास ये सनस्क्रीन पहले से ही परचेज किए हुए रखे थे। तो जिन दो सनस्क्रीन के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है रिक्वल का अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन, एक ये वाला है, और दूसरा जो है वो है डॉट एंड की का सीका कामिंग नायासिनेमाइड सनस्क्रीन SPF 50। इन दोनों सनस्क्रीन के बारे में मैं आपको एक एक कर बताऊंगी कि ये दोनों सनस्क्रीन जो है वो क्यों मेरे लिए वर्क नहीं किए, और ये रिव्यू जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, और इनको मैंने अच्छे से यूज़ किया है, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके जो कॉन्स है, इसके जो डिसएडवांटेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वल के अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल। और नाम देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो एक्सपेंसिव लगता है। 50 ग्राम की क्वान्टिटी आपको 659 रुपीज़ इसका MRP है। इस तरीके की इनर ट्यूब टाइप की पैकेजिंग में आता है, और आप शायद देख सकते होंगे कि मैंने इसको किस हद तक मतलब अपना मन मार मार के इसको यूज़ किया हुआ है। वैसे अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें नो डाउट बहुत अच्छे से सन फिल्टर्स ऐड किए हुए हैं, बहुत अच्छा सा प्रोटेक्शन देता है। SPF 50 है, PA++ है, और नॉन कमेडोजेनिक है। तो इंग्रेडिएंट वाइज ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। डेफिनेटली ड्राई स्किन वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैं आपको इसका फॉर्मूला जस्ट दिखाना चाहूंगी कि ये किस तरीके के फॉर्मुलेशन में है, और मैं आपको अपने फेस पर भी अप्लाई कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप इसका जो है टेक्सचर और फॉर्मूला देख लो, ये बहुत ही ज्यादा थिक सा इसका फॉर्मूला है, और आप जैसे ही इसे ब्लेंड करोगे ये इस तरीके से ब्लेंड होता है। ये बहुत ही ज्यादा थिक है, ना ये एक क्रीम है ना ये एक प्राइमर है। मुझे यही समझ में नहीं आया कि क्या प्रोडक्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, पहले तो बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट थ्रो कर रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा ग्रीजी सी स्किन हो जाती है। अब मैं आप लोगों को इसको अपने फेस पर लगाकर दिखाऊंगी। मैंने वन फिंगर लिया है क्योंकि मैं हाफ फेस पर इसे यूज करूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ तो ये कितना ज़्यादा वाइट कास्ट दे रहा है। अगर हम इसे ज़्यादा ब्लेंड करते हैं तो ये स्किन से पिल होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप मेरे पाम के बैक पे देख सकते हो। तो मुझे बिल्कुल भी इसका जो फॉर्मूला है वो पसंद नहीं आया है। आप इसको कोई भी एंगल से, आप इसे ऑयली स्किन वाले तो इसे अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल ऑयली ग्रीजी और बिल्कुल चिपचिप सा फेस पर फील होता है, और मेकअप के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये सनस्क्रीन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस सनस्क्रीन को यूज करो। अल्ट्रा मैट की तो आप बात ही मत पूछो, अल्ट्रा मैट क्या, ये तो मैट भी नहीं है ये सनस्क्रीन। अपने चैनल पर जो है अमेजिंग ऑयली स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन रिकमेंडेशन की वीडियोस बनाकर रखी हुई है, तो आप इसे जाकर चेक कर सकते हो। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो दूसरा सनस्क्रीन है वो है डॉट एंड की का सीका नायासिनामाइड सनस्क्रीन, ये भी SPF 50 के साथ आता है, और ये इनकी डॉट एंड की सीका रेंज से सनस्क्रीन आता है। तो जब मुझे ये सनस्क्रीन रिसीव हुआ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मतलब मेरी ऑयली स्किन है, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, और ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए जो है सीका जो इंग्रेडिएंट होता है सिंटेला एजियाटिका वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको समर सीजन में यूज करूंगी, तो मैंने इसे रिसेंटली 1 मंथ पहले ही यूज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग आपको इस तरीके की स्टैंडर्ड पैकेजिंग मिल जाएगी, यहाँ
यहाँ पर आपको नेम वगैरह मिल जाएगा और ये लिखा हुआ है फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। और ये जो है फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, जो रिक्वेल का अल्ट्रा मेट ड्राई टच सनस्क्रीन जो है वो भी फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको इसकी सारी ही डिटेलिंग आउटर पैकेजिंग पर मिल जाएगी। 95 रुपीज इसकी MRP है और 50 ग्राम की आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। इनर पैकेजिंग जो है वो इसका वो कुछ इस तरीके से ट्यूब टाइप का पैकेजिंग मिल जाएगा आपको। तो अब मैं आप लोगों को इस सनस्क्रीन का भी फॉर्मूला दिखा देना चाहूंगी। इसमें फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसमें एक सीका की फ्रेग्रेंस है। तो यहाँ पर मैंने अपने बैग पर ये सनस्क्रीन को ले लिया है और अब मैं ये जो सनस्क्रीन है मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन पर। इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है और ये डेफिनेटली लाइट वेट तो है, लेकिन आप इसे ब्लेंड करोगे ये ब्लेंड ही नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लेंड ही नहीं होता है। मैं आपको अपने फेस पर इसे अप्लाई कर दिखाऊंगी। ये फेस पर बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट छोड़ता है और थोड़े टाइम के बाद आप जैसे ही इसे अप्लाई कर लोगे ये ऑयली ऑयली सा फील होने लग जाएगा आपको आपकी स्किन पर और हैवी हैवी फील हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस साइड पर मैंने रिक्वल का सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है जो कि अभी भी एक लेयर की तरीके से मेरी स्किन पर फॉर्म हुआ है, और इस साइड पर मैंने जो है डॉट एंकी का सीका वाला जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल मतलब जो है एकदम आर्टिफिशियल सा वाइट कास्ट दे रहा है और थोड़ी देर के बाद जो है वो ऑयली स्किन पर जो है वो ग्रीसी ऑयलीनेस भी फील होती है और बहुत ज़्यादा हैवी हैवीनेस भी फील होती है। तो गाइज ये मेरा डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आई होप ये रिव्यू वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप ऑयली स्किन वाले हो और कोई सनस्क्रीन चूज करना चाहते हो तो बिल्कुल भी आप नाम पर मत जाना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना, वीडियोस वगैरह देखना आपको, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। आई होप ये रिव्यू वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।